नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन आलू से बने बहुत ही टेस्टी एक सब्जी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर 1.5 कप सोयाबीन। सोयाबीन अब अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 6-7 आलू को बॉईल करने के बाद ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू भी आप चाहे तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है पानी। पानी जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पर सोयाबीन। सोयाबीन को हम 2 से 3 मिनट हल्का बॉईल करेंगे, जब तक सोयाबीन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 3 मिनट हो गए, सोयाबीन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ते हुए रख लेंगे। अब हम एक पैन में ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम डाल देंगे एक बड़े साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम पहले ठंडा करेंगे, फिर हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। अब हम इसी तेल में डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लो पे रखेंगे। थोड़ा सा हल्दी और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे सोयाबीन, साथ ही डाल देंगे आलू। आलू और सोयाबीन को हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक हल्का कलर चेंज ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके हम बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट आलू सोयाबीन को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो आलू सोयाबीन हमारा फ्राई हो गया है। निकाल के हम एक प्लेट में रखेंगे। 2 चम्मच तेल पैन में और ले लिया है। 1 तेज़पत्ते डाल देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच साबुत जीरा। अच्छे से फ्राई करना है हमें। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए डाल देंगे 1 छोटे साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज को हम फ्राई करेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। प्याज जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए और हम भूनेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाए हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 1.5 चम्मच। तीखा आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। मसाला मिक्स हो जाने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखे थे। अच्छे से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हमें लो पे रखना है। साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटे साइज के टमाटर का पेस्ट। और साथ ही डालेंगे 4 चम्मच दही। मसाले को हम अच्छे से 4 से 5 मिनट तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। एक बार आप इस तरीके से सोयाबीन आलू बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएंगे तो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। मसाले के साइड से जैसे तेल अलग दिखने लगे हम डाल देंगे यहाँ पर सोयाबीन और आलू। मसाले के साथ हम मिलाएंगे और 2 मिनट खोल के मसाले के साथ आलू सोयाबीन को अच्छे से भून लेंगे। नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अच्छे से सोयाबीन आलू को मसाले के साथ 2 मिनट भून लिया है। पूरी तरीके से जैसे ड्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे पानी।
मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दिया है। अच्छे से मिलाएंगे और ग्रेवी में हम पहले एक बॉईल आने देंगे। पैन को कवर करके हम 7 से 8 मिनट सोयाबीन आलू को ढक के पकाएंगे, जब तक आलू हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। ग्रेवी भी बॉयल आ चुका है, पैन को कवर कर देंगे हम 7 से 8 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5-7 मिनट हो गए और सोयाबीन आलू हमारा बनके तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बस मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये सोयाबीन आलू की सब्ज़ी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सब्ज़ी को इससे ज़्यादा मैं और ड्राई नहीं कर रही हूँ। तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी हमारा बनके तैयार है, हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।